आज का मैच हमारा खापा में है और सेमीफाइनल है। काफी बड़ा मैच है, दोनों टीमें आ चुकी हैं ग्राउंड पे। 10 ओवर का मैच है, ये हो रहा है कालपी और कश्मीर के बीच में मैच। काफी अच्छा मैच होगा और मैं ओपन जा रहा हूँ। फेस मैक्सिमम 30, कम से कम 30 छक्के मारूं, 60 बोले हैं। दोस्तों हमारे यहाँ विजय डांडिया और नारायणगंज ब्लॉक के सबसे चर्चित प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं इधर पे, पवन भैया। मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो अपना परिचय कुछ अपने से दे दीजिए भैया। परिचय में भाई, मेरा नाम पवन ही के है, मैं रहने वाला नारायणगंज का हूँ। और आमतौर में देखा जाए तो हमारे भाई मतलब फर्स्ट टाइम मिले हैं, और वैसे तो हम एक दूसरे को जानते भी हैं ना। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मिले हैं। और देखा जाए तो क्रिकेट में मैं ऑलराउंडर की भूमिका निभाता हूँ, बॉलिंग बैटिंग मतलब दोनों चलती है मेरी। हाँ। बस इतना ही है भाई। हाँ। सेंटर बाकी। और गाइस यहाँ पे जैसे पवन भैया काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित प्लेयर हैं, बहुत मतलब कि इस क्षेत्र में जितने भी छोटे खिलाड़ी सभी कोई इन्हें जानते हैं। ऐसा मैं भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, पर लोगों के जरिए बहुत सुना था नाम इनका, काफ़ी बड़ा नाम है। थैंक यू भैया। ठीक है बॉस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आलोक कुजूर, इस वक्त हूँ मैं दोस्तों कालपी में, जिला मंडला मध्य प्रदेश में। दोस्तों तो आज हम लोग जाने क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, कालपी से करीबन 30 किलोमीटर लगभग है, जो कि हमारे बीरन सर है उसी के गांव में जा रहे हैं। दोस्तों आज क्वार्टर और सेमीफाइनल है, तो अभी जाने वाले हैं। रविंद्र सर गया है स्कूल, फिर वहाँ से आएगा, तो फिर अभी हम लोग यहाँ से कालपी से जाएंगे। 10 किलोमीटर के अंतराल में रविंद्र सर का घर है, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ स्पेशल बना है दोस्तों, तो सुबह का ब्रेकफास्ट वहीं होना है हम लोग का। फिर वहाँ से सीधा हम लोग निकल जाएंगे खापा माल, जो कि वहाँ से पड़ेगा वही लगभग 30 किलोमीटर दोस्तों। तो वीडियो में बने रहो दोस्तों, चलो देखते रहिए कि मैं आज का खापा माल पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को आज का हम लोग का मैच। अगर क्वार्टर फाइनल जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल भी आज ही होने वाला है दोस्तों, और फाइनल होगा कल। और टूर्नामेंट में प्राइज रखा गया है 21,000 दोस्तों। तो आज अगर जीत जाते हैं सेमीफाइनल तो कल होगा फाइनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है बनने वाला है नहीं बनने वाला मुझे नहीं पता दोस्तों, पर जैसा भी होगा आप लोग बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। दिखाता हूँ आज अपना टीम के सभी खिलाड़ियों से आप लोगों को मिलवाऊँगा दोस्तों, एक एक से परिचित करवाऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम लोग विक्रम सर को लाने जा रहे हैं, तो दिखाता हूँ आप लोगों को विक्रम सर का स्कूल। ये है दोस्तों स्कूल, स्कूल का नाम क्या है? शासकीय मॉडल है, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोस्तों, विकास खंड विजय डांडी, कन्याशाला है दोस्तों, सिर्फ लड़कियों का, गर्ल्स स्कूल है। ये वाला है स्कूल और ये वाला है हॉस्टल। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं विक्रम सर का स्कूल, ये है स्कूल और इधर पे है हॉस्टल। धूप में खड़ा कर दिया, चलो सामने जब फोटो खींच देता हूँ। ये आ रहे दोस्तों गुरु जी। दोस्तों सर आ चुका है, जो कि हमारे कालपी टीम का कैप्टन है दोस्तों। हाय, तो मिलते हैं आज के मैच जीतने के बाद, खापा पहुंच के दिखाते हैं बाकी। दोस्तों हम लोग खापा पहुंच चुके हैं, जो पीछे देख रहे हैं टेंट वेंट दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं। 12:30 हो रहा है, अभी टास होगा दोस्तों, दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी टास होगा दोस्तों। फाइट फाइट दियो ना, वो सामने वाले कह रहा था जब सब खिलाड़ी हो जाए फाइट दे दो, और जब कोई आउट नहीं है बता भी रहा है भाई, खुद कहो नहीं है नहीं है, कहां फील्डर से नहीं है, कह रहे थे दो ही पर आउट दे दो, दो ही दो पता, मतलब कोई बात नहीं लग रहा है, ईमानदार से लग रहे भाई। तो लेट हो गए भारी, कहां है हमारा तार जाओ बात है, क्या ले रहे बता रहे। कुसमी टीम टॉस जीत गया है दोस्तों, अभी फील्डिंग करेगा या बैटिंग करेगा नहीं बताया। दोस्तों मैं आप लोगों को अपना टीम से मिलवाता हूँ, यह है दोस्तों कालपी टीम, और एक एक प्लेयर से मिलाऊंगा अभी। यह है थानेश्वर, हमारा ओपनिंग बैट्समैन और बॉलर भी है भैया, आपका नाम? समीर, समीर नाम, समीर के हिसाब से 10 रुपए रख के आया हूं।
नाम बताओ। जी मैं होने चाहिए ना था बैट्समैन के बॉलर दो क्या ऑलराउंडर दो ऑलराउंडर ऑलराउंडर ये सच्चा में कालपी से ही है ऑलराउंडर। अभी उनको बताओ ना धागा कहां गिरा रहा गंगा से मैच आए के देखें कहां पे जाए के इधर है आशीष है टू आशीष ओवर काट में कालपी से अरे बोलो तो भाई एक रन पर्याप्त बहुत बेहतर बॉल में हमारे कैप्टन है कालपी टीम के विक्रम सर ऑलराउंडर हैं ये तो अपना रोबी सर है दो मैच में कंटिन्यू मैन ऑफ द मैच रहे 10 और 12 रन बना के फील्डिंग करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग कुसमी टीम टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला लिया है खिलाड़ी खिलाड़ी हमारे नहीं नहीं ये नहीं कहाँ जा रहा है वो देखो अलग जा पिच में देखो अलग ब्लैक जोकर पहना है वो। आज का मैच हमारा खापा में है और सेमीफाइनल है काफ़ी बड़ा मैच है दोनों टीमें आ चुकी हैं ग्राउंड पे और कितने कितने ओवर का मैच हो रहा है भैया ये दस ओवर का मैच है दस दस ओवर किस किस के बीच हो रहा है बता दो ये हो रहा है कालपी और क्या नाम कुसमी कालपी और कुसमी के बीच में मैच काफ़ी अच्छा मैच होगा और मैं ओपन जा रहा हूँ फेस क्या करूँगा कालपी टीम से ओपन कर रहे हैं भैया विवाद चल रहा है ग्राउंड में तो भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना कितना सिक्स मारने का वो लेके जा रहे हैं मैक्सिमम 30 अच्छा 30 छक्के मारूँ 60 बोले हैं ऐसा मौका मिलेगा बहुत अच्छे बॉलर होंगे इनके पास हाँ यकीनन मारूंगा मैं तो भैया 30 छक्का मारने का टारगेट करके जा रहे हैं अब हवा भी सही दिशा में भैया लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है कि वो लेफ्ट में हवा अच्छा चलता है तो मार सकते हैं भैया और दो मैच पहले भैया ने मारा था 5-6 छक्का है ना भैया 5-6 छक्के मारे थे मैंने महज 9 बॉल पे 37 रन मारे थे हाँ काफ़ी अच्छा ठीक है भैया आज भी बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिएगा और कालपी टीम को अच्छा रन में जीतना है फाइनल खेलना है हमें हाँ दोस्तों अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विवाद चल रहा है दोस्तों तो विवाद होने का कारण कुछ ऐसा है कि अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है दोस्तों तो सामने वाला टीम में कुछ दूसरा मैच से दूसरा टीम से पहले खेल चुके थे दोस्तों वो भी अभी कुसमी टीम से खेलने के लिए आ गए हैं तो थोड़ा उसी वजह से कुछ विवाद हो रहा है इसलिए मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों कालपी टीम से थानेश्वर और भैया है ओपनिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों जैसे नहीं कराते हैं हाँ सर अरे पैर में तो लगा कैच कर कहाँ पैर में लगा कहाँ लगा देता अरे देख लो ना समझ सही आउट है रे भैया बैल अरे फिर अरे बहुत ज़्यादा विकेट गिर रहा है यार सुन तो कटाई आउट हो गए बेटे तू अरे माँ कसम सक्षम बैठो तुम का करवा ठीक है बे ज़्यादा देर नहीं खड़े रहने धूप में कोई मतलब नहीं पिछला मैच में ऐसे हुआ था ना करते हुए
बढ़िया 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 बहुत तो दूसरे खिलाड़ी लोगों के हाथ है दोस्तों। क्वार्टर मैच था हम लोगों का कुसमी के साथ, जो कि हम जीत चुके हैं। हमने फर्स्ट बैटिंग करा था और 59 रनों का लक्ष्य दिए थे दोस्तों, तो उसको लास्ट ओवर में जीत गए हम लोग। और हम लोग खेल रहे थे सेमीफाइनल दोस्तों, अभी खापा के साथ खेल रहे हैं। फर्स्ट बैटिंग हो चुका है, खापा कर चुका है, हमको 40 रन का लक्ष्य दिया है 10 ओवर में। तो अभी हम लोग बैटिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है मैच का परिणाम है। दोस्तों हमारे बीरन सर
हिमांशी छोटी बेटी के साथ आ रहे हैं। हिमांशी हेलो बोलो। हेलो हाय कर। हेलो बोलो। मम्मी चाचा कहाँ नहीं देख। मम्मी कहाँ गई। चाचा कहाँ नहीं देख। मम्मी कहाँ गई। मम्मी कहाँ बता दो। दोस्तों सेमीफाइनल में ओपनिंग बल्लेबाज जा रहे हैं पिंटा भैया के साथ थानेश्वर। और खेलना बहुत ही वीक। और अरे ले लो सिंगर। डबल है अरे मार ले। दीपक मराठी हमारे माननीय दीपक मराठी फील्डर्स के नाम से बहुत अच्छी गर्म लाइव पर अभी तक तो नहीं आते लेकिन पिता के द्वारा मुश्किल। अब समीर जा रहे हैं स्टार्ट लेने विक्रम की जगह पे बहुत अच्छी जोर से रोजे वगैरह गए नरेंद्र भाई के पैर पे अक्सर हमारे जो बात थी विकल मिलाई वहां पे सब लेकिन मुश्किल दिलीप लड़का के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है और जब इतनी खूबसा बॉलिंग लाइन हमारा अभी साफ लग रहा मेरे को कैप्टन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अन्नू मारा बढ़िया और रन भी नहीं ले रहा हूँ देख रहे रन ले ले नाते में तो हो रहा है जाता है आठ अब दो में लाए अभी जा रहे हैं दो तक में लेकिन तो वाह गलती से प्लीज विन रख और इसी के साथ सावरपुर रहने दे दोस्तों हमने सेमीफाइनल जीत चुके हैं। दोस्तों हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों कल देखने को मिलेगा आप लोगों को फाइनल कालपी वर्सेस खापा माल। तो थैंक यू दोस्तों सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चार विकेट पांच रन है और